सबका हार्दिक स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट विद मनीषा शर्मा में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गणेश जी के से संबंधित ज्ञान के बारे में। गणेश जी को गणपति, विनायक व विघ्नहर्ता जैसे कई नामों से जाना जाता है। गणेश जी की हर विशेषता और शरीर के हर भाग का अपना गहरा अर्थ है, जैसे कि उनका बड़ा सिर विशाल ज्ञान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उनके भक्तों को बहुत बड़ी सोच रखनी चाहिए और जीवन में प्रगतिशील रहने के लिए छोटी सोच से दूर रहना चाहिए। उनकी छोटी आँख दर्शाती है कि मनुष्य को जीवन में बारीकी से विश्लेषण करते हुए एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका छोटा मुंह दर्शाता है कि व्यक्ति को बातें कम और काम ज़्यादा करने चाहिए। उनके बड़े बड़े कान हैं जो दर्शाते हैं कि भक्तों को अधिक सुनने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह हमारे विकास का प्रतीक है। उनकी सूंड दर्शाती है कि मनुष्य में फ्लेक्सिबिलिटी होने से कार्यक्षमता में विशेष प्रभाव पड़ता है। सूंड का घुमाव मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति के उदय का प्रतिनिधित्व करता है। उनका बड़ा पेट दर्शाता है कि जीवन को के अच्छे हर बुरे और हर प्रकार की परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। उनका एक दंत दर्शाता है मनुष्य को हर अच्छी चीज को बनाए रखना चाहिए और बुरी चीज का त्याग कर देना चाहिए। यह मनुष्य की विवेक शक्ति को दर्शाता है। दाहिने हाथ में अंकुश, अंकुश मनुष्य के मस्तिष्क को नियंत्रित रखने की ओर संकेत करता है और बाएं हाथ में पाश, पाश बंधनों का सम्मान करने को दर्शाता है। अन्य हाथ में मोदक, यह मीठे परिणाम तथा पुरस्कारों की ओर प्रदर्शित करता है और सात्विक आहार की महत्वता को दर्शाता है। एक हाथ में कमल, कमल स्थिर पानी में उगता है। यह दर्शाता है कि भक्तों को दुनिया में कमल के समान स्वव्यवस्थित होकर खिलना चाहिए। चूहा मानव इच्छाओं का प्रतीक है जो अनियंत्रित होने से भारी नुकसान करती है, इसलिए यह दर्शाता है कि सफलता के लिए अनियंत्रित भौतिक इच्छाओं की सवारी मतलब नियंत्रण करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से गणेश भगवान की सीख का अनुसरण करने में मदद मिलेगी। आपको गणेश उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।